खबर ग्वालियर से है, जहां युवक ने गला घोटकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। वह युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार वाले राजी नहीं थे, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतक आरोपी के भाई की साली है। घर के पास लगे सीसीटीवी में आरोपी घर में आते जाते दिख रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है। घटना जनकगंज में बुधवार सुबह हुई। 22 साल की किरण जनकगंज स्थित निम्बालकर की गोठ में परिवार के साथ रहती है। किरण की बड़ी बहन का ससुराल पास ही गोल इलाके में है। इस कारण बहन के देवर मुकुल का घर आना जाना था। मुकुल भाभी की बहन किरण को पसंद करने लगा था। वह उसे शादी करना चाहता था। उसने भाभी से भी कई बार किरण से शादी कराने की बात कही थी, लेकिन किरण का परिवार तैयार नहीं था। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुकुल कुछ कमाता नहीं है। ये बात उसे नागवार गुजरी। बुधवार सुबह किरण का परिवार ड्यूटी पर गया था। दोपहर में लौटे तो देखा कि किरण कमरे में मृत पड़ी है। उसके गले में साफी बंधी है, जिससे उसका गला कसा गया है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच के दौरान पुलिस ने घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दिखा कि अल सुबह 5:15 बजे मुकुल पैदल किरण के घर में दाखिल होता है। उस समय उसके गले में एक साफी थी। करीब 15 मिनट बाद वह बाहर निकलता है। बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाता है। लौटते समय उसके गले में साफी नहीं होती है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि साफी जैसा कपड़ा ही किरण के गले में मिला है, जिसके बाद मुकुल पर पुलिस का शक गहरा गया है। जनकगंज पुलिस के अफसरों का कहना है कि फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था तौलिया से, मतलब जैसे किसी ने दबाया हो उसको। हाँ, लड़के की साफी थी, जो सॉफी से मुंह ढक के आया था वो, तो वो साफी थी। और वो साफी छोड़ गया वो वहाँ पर, तो वो साफी मिली है उसके गले में लिपटी हुई, वो मृत पाई गई।